विधानसभा क्षेत्र प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वीएलसी घटक के तहत कच्चे मकानों को पक्का बनाने के लिए ढाई ढाई लाख रुपए के अनुदान दिए जाने की योजना में अनेकों हितग्राही इस योजना से वंचित रह गए हैं, जो कि पात्र हितग्राही और सड़क स्ट्रीट लाइट सहित कई मुद्दों को लेकर सागर नगर निगम के विधायक शैलेंद्र जैन के नेतृत्व में तीन मड़िया पर एकत्रित होकर नगर निगम पहुंच गए और नगर निगम कार्यालय का घेराव करने लगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं के प्रशासन में जमकर झड़प हुई। विधायक शैलेंद्र जैन ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों के घर अधूरे पड़े हैं, जिससे उन्हें रहने में असुविधा हो रही है, तो वहीं सड़कों की हालत भी ठीक नहीं, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। ऐसी कई समस्याओं को लेकर हमने नगर निगम का घेराव किया है, प्रशासन के साथ दिन का समय मांगा है। यदि समय रहते समस्याओं का हल नहीं निकलता तो हम सड़क पर उग्र आंदोलन करेंगे। योजना का एक जो महत्वपूर्ण घटक है बीएलसी, बीएलसी योजना के लगभग सवा महीने हो गए, किस्तें आना बंद हो गया है, नए जिन लोगों के नाम उसमें जुड़े हुए थे उनके नाम काट दिए, ऐसे ले लेके नए नाम जोड़े जा रहे हैं। और जो हितग्राही जो हमारे जिनके वेरिफिकेशन हो चुका है, सत्यापन हो चुका है, सत्यापन होने के बाद भी उनके नाम काट दिए गए हैं। अब नाम जोड़ाने के एवज में पैसे की मांग की जा रही है, किसी से 20,000 रुपये, किसी से 40,000 रुपये। ये अराजकता मची हुई है, इसके खिलाफ आज हमने जन आंदोलन किया है। इसके साथ में शहर का एक बड़ा हिस्सा जो है अंधेरे में डूबा हुआ है। पिछले 6 महीने से बिजली का कोई सामान नगर निगम के पास नहीं है, दूषित पानी आ रहा है। ये दूषित पानी को लेके अनेक बार हम लोगों ने निगम आयुक्त से बात की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। हमारे किराया जो बड़ा के बड़ा के हमारे किराएदारों के साथ अवैध वसूली की जा रही है। हमने परिषद की बैठक में निर्णय किया था कि परिषद की बैठक की दिनांक तक पुरानी दर से किराया लेंगे, लेकिन उसको भी इन्हें माना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि निगम परिषद का कोई अस्तित्व है या नहीं है? निगम परिषद के निर्णय के बाद भी निगम के अधिकारी उसको क्यों नहीं मान रहे? सारे मुद्दों को लेकर अगर ये मांगे पूरी नहीं होती आपकी, तो इसके बाद अगला चरण क्या होगा? अब हमारा किसी भी तरह का हिंसक आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं। जनता आक्रोशित है, जनता किसी भी तरह की आंदोलन करने के लिए तैयार है। अगर एक सप्ताह के अंदर इन्होंने हमारी मांगों के संबंध में अच्छा निर्णय नहीं किया, सकारात्मक निर्णय नहीं किया, तो एक सप्ताह बाद फिर हम ईद की ईद बजा देंगे, हम इनको छोड़ेंगे। लोकल न्यूज के लिए सागर से अनिल वर्मा की रिपोर्ट।